अरविंद शर्मा ने कोई गांव में ना बटन दे और लू कहेगा चालाक गान हुए भाई बिल्कुल ना दे दिया अरविंद शर्मा हाँ जी अरविंद शर्मा के बारे में क्या कह रहे थे अरविंद शर्मा 5 साल मारा काम आयो कौन बहुत सा ईर में मैक्स आया ही नहीं कभी और ग्रांट दी थी कई फंक्शन हो लिए उल्टी ले ली भाई मारे ग्रांट भी उल्टी ले ली ग्रांट भी उल्टी ले ली 10 लाख रुपया हर 5 साल मार हर साल मारा दस छुट्टी को मेरे भरे थे नया भी ना आयो कभी आज तक अरविंद मारा आग का दफ ना कर अरविंद शर्मा ना अरविंद ने बोटे ना काम बिल्कुल 200% पछतारे अरविंद शर्मा वोट दे अरविंद शर्मा तो हम उनको दर्शन ही ना करे जी दर्शन नहीं किए ना करे मतलब बनने के बाद कभी आए नहीं आए ना आए बाहर कते हम ना जब उठा कह रहे थे अरविंद शर्मा के बारे में ये कह रहा था अगर इस एरिया में आगे सामान पाए कट्टा हम तो कुछ भी दे ना रहे ले ना रहे 5 साल हो ले कहते आगे दर्शन ना दिए कदे भी नहीं कोई ग्रांट नहीं और कुछ नहीं एक हल्का मंत्री ईश्वर लक्ष्मण ने बैठा दी मारे वाड़ी कोसली हल्का से 5 रुपया भी नहीं जैसी बताए 5 साल में। नमस्कार आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के अंदर और आपको पता है कि जो लोकसभा चुनाव हैं वो सर पर खड़े हुए हैं लेकिन माहौल है वो क्या है चुनाव का यही जानने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और कोसली अगर विधानसभा की बात करें तो उसका भी जो डहिना क्षेत्र है वहां पे हम लोग मौजूद हैं तो चलिए इन लोगों से जो हुक्के के ऊपर बैठे हुए हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी तरफ से जो माहौल है वो क्या बना हुआ है वो सारी चीजें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सब नाम बताएं नाम क्या है पहले सत्यवीर सिंह एक्स सरपंच कहाँ से बहुतवा सहीर से तो यहाँ अगर कोसली विधानसभा की बात करें तो क्या माहौल है यहाँ का देखो जी ऐसा है अगर दीपेंद्र के विरोध में विपरीत मतलब जी जी बाबा के अलावा कोई आता है तो दीपेंद्र 50,000 से जीतेंगे और बाबा बालकनाथ आ गए तो दीपेंद्र कोसली से हारेंगे कन्फर्म है जी एक तरफा 72,000 की आ रही क्यों अगर बाबा बालकनाथ आ गए क्यों हार और अगर अरविंद शर्मा आते हैं तो अरविंद शर्मा ने कोई गांव में ना बटन दे और लू कहेगा चालाक गान हुए भाई बिल्कुल ना दे दिया अरविंद शर्मा 5 साल में हाँ जी अरविंद शर्मा के बारे में क्या कह रहे थे अरविंद शर्मा 5 साल मारा काम आयो कौन बहुत सा ईर में मैक्स आया ही नहीं कभी और ग्रांट दी थी कई फंक्शन हो लिए उल्टी ले ली भाई मारे ग्रांट भी उल्टी ले ली ग्रांट भी उल्टी ले ली 10 लाख रुपया हर 5 साल हर साल मारा दस छुट्टी को मेरे भरे थे नया भी ना आयो कभी आज तक अरविंद मारा आग का दफ ना कर बिल्कुल 200% पछता रहे अरविंद शर्मा वोट दे 200% पछता रहे तो अभी तक तो बीजेपी ने टिकट भी नहीं दी है किसी को तो उसको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए देगी तो हारेगी दीपेंद्र हुड्डा जीतते वो अरविंद शर्मा वोट देगी तो देख लो 50,000 से कम तक और बाबा को तो जी सुपड़ो हिसाब से जी बिल्कुल बिल्कुल सब क्या क्या कहेंगे अरविंद शर्मा के बारे में क्या कहेंगे अरविंद शर्मा तो हम उनको दर्शन ही ना करे जी दर्शन नहीं किए ना करे मतलब बनने के बाद कभी आए नहीं आए ना आए बाहर कभी हम ना जब वोट अरविंद शर्मा अरविंद शर्मा कोई वोट नहीं मिला कोई वोट नहीं अच्छा और दीपेंद्र हुड्डा को दीपेंद्र हुड्डा जो अरविंद शर्मा आएगा जब तो दीपेंद्र दीगा जब तो दीपेंद्र दीगा और जय और कोई आएगा देखो कि टक्कर में कौन आओ पीछे की पीछे देखी जाएगी क्या बात है सब क्या माहौल है आपकी यही माहौल है जो सरपंच साहब ने कह दिया और यही माहौल है जी दीपेंद्र कुछ वोट वाट है कि नहीं हाँ वोट तो है दीपेंद्र की वोट बहुत है कैंडिडेट को देख के कैंडिडेट देख के वोट है दीपेंद्र कैंडिडेट इतना बढ़िया है मतलब 542 में पहला नंबर कैंडिडेट कैंडिडेट में पहला नंबर ईमानदार मेहनती सच्चा आदमी इसमें कोई अरविंद शर्मा मेजबानी भेज दे महासती का मेरा मेजबानी भेज दे तू जावट बता मेजबानी वोट थोड़ी वोट तो मैंने दी थी हमने है जी सही बात है हाँ
बिल्कुल बिल्कुल साहब उस तरफ बैठे, चलिए उनसे भी जान लेते, कुछ बोल रहे थे वो अभी थोड़ी देर पहले, तो उनसे भी जानने की एक बार कोशिश करते हैं। साहब क्या कह रहे थे अरविंद शर्मा के बारे में? ये कह रहा था अगर इस एरिया में आगे सामान पाए कट्टा हम तो कुछ भी दे ना रहे हो, ले ना रहे हो, पांच साल हो लेकर आगे दर्शन ना दिए कदे भी नहीं, कोई ग्रांट नहीं और कुछ नहीं, एक हल्का मंत्री ईश्वर उल्लास मन बैठा दी मारे वाड़ी कोसली हल्का से, पांच रुपया भी ना दिए गिरते हैं पांच साल में, बताओ तो अब की बार वोट वाट नहीं है भावों का तो ध्यान को भूल के भी दे आएगा जो ध्यान के नाम से बलजीत का ध्यान भाई जो हल्का मंत्री अगर जो आएगा तो वोट देंगे देख जो आदमी सही से। दीपेंद्र का क्या माहौल है? दीपेंद्र को तो भाई दीपेंद्र तो ठीक समझी और रोक काटे ना, रोक काटने वाले कौन है? गणेश काटनिया भाई रोक नीट आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस, हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है, अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।